सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई के सचिव प्रकाश उडियाल ने विधायक राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान राणा से प्रश्न किया कि विधायक राजेंद्र राणा बताएं कि बीते चार वर्षों में विधायक ने सुजानपुर के लिए क्या तोहफे दिए हैं। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि सुजानपुर का बस अड्डा चंडीगढ़ सेक्टर बन पाया कि नहीं, ये भी वे बताएं। उन्होंने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा कांग्रेस की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है और फर्जी डिग्री घोटाले में उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि राणा की राजनीति का अब अंत शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में उनकी रैली फ्लॉप रही, पंचायती राज चुनावों में राणा और उनके बेटे की भूमिका सबके सामने उजागर हुई है, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में राणा को मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें चंडीगढ़ में ही डेरा लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने में विधायक राजेंद्र राणा पूरी तरह से असफल रहे हैं, इसलिए अब वे किस मुंह से विधानसभा में जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जनता उनको ठगने का जो काम विधायक के द्वारा किया गया है उसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में राणा की राजनीति का अंत सुजानपुर में दिखाई दे रहा है। आज सीधा सीधा संदेश जा रहा जनता को कि सुजानपुर के विधायक अपना आपा खो चुके हैं, चाहे वो फर्जी डिग्री के ऊपर बात रख रहे हों, चाहे वो रैलियों को फ्लॉग का माध्यम देख रहे हों, या क्षेत्र में अपने ही लोगों को पटके बनाकर दिखावे की भावना दिखा रहे हों, वो उनके राजनीति का अंतकरण शुरू हो गया है और उसके भय से जो है वो पूरे क्षेत्र में अनाप शनाप कामों में लगे हुए हैं और जो कर रहे हैं करने और कथनी उनकी समाज के सामने आ रही है। धीरे धीरे उनका जो जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता जो उनसे दूरी बनाती जा रही है और आने वाले समय में उसका जवाब उनको तुरंत मिल जाएगा। सर, फर्जी डिग्री घोटाले के ऊपर जो काफ़ी चर्चा करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? फर्जी डिग्री का मामला जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ था और जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो पहले उन्होंने उस केस की स्टडी ना करते हुए इस मुद्दे को उठाया जो कि उनको अपने मुंह के खाने पड़ रही है, वो समाज के सामने है। सर, राजेंद्र राणा ने विकास के दावे किए थे, 17 सेक्टर की बात भी उन्होंने बस स्टैंड पे की थी, बस स्टैंड की हालत दयनीय है, क्या कहेंगे? सुजानपुर को 17 सेक्टर तो क्या, सुजानपुर के जो जरूरतें थे उनको मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जनता आज पूरे 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और एक मिनी सचिवालय के दिखावे में जो वोट लिए थे और मिनी सचिवालय तो पूरे विधायक विधानसभा क्षेत्र में बने, लेकिन आज की डेट में जो 17 सेक्टर का प्रलोभन दिया था और झूठे बोर्ड झूठे राजनीति का शिकार लोगों को बनाया था उसका जवाब जो है वो जल्द ही जनता देगी, क्योंकि 4 साल में बताएं कि कौन सी जगह में कौन सा रोड बनाया, कौन सी जगह केंद्र के द्वारा जो हमारे केंद्र में वित्त एंड कॉरपोरेट युवा खेल एंड संचार मंत्री जो हमारे अनुराग ठाकुर द्वारा करोड़ों की सड़कों के कार्य हुए उसके ऊपर ही दिखावे की राजनीति की, जो कि एक निंदनीय है और ऐसे कार्य करने के बाद अपने आप ही वो दिखावे का मुखौटा बनकर दिखे, इससे भी मुंह की खाना पड़ी है। हम उन्हें जो है वो रिबन काटने का शौक था जो कि धीरे धीरे उनकी जो कार्यशैली है जनता के सामने ओपन मुखौटा हो रहा है और उसके उनकी ही आए दिन जो है वो प्रियत हो रही है और जनता का विश्वास उठ चुका है और उनसे उनकी उनका राजनीति का अंतकरण सामने दिख रहा है।